नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्विंग ट्रेड। आज की वीडियो में हम बात करेंगे मारुति सुजुकी कंपनी के बारे में। इस कंपनी का डिटेल एनालिसिस करेंगे और आगे चल के देखेंगे कि ये स्टॉक में क्या अपॉर्चुनिटी है और आगे चल के कितना बड़ा सा तेजी यहाँ पे हमें देखने को मिल सकता है। और उसके साथ में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे क्या अपॉर्चुनिटी है, अपॉर्चुनिटी में अगर उसी हिसाब से अगर हम देखते हैं, अभी कुछ दिन से, अगर 3-4 दिन से अगर आप देखेंगे, स्टॉक में थोड़ा सा गिरावट स्टार्ट हो चुका है, तो यहाँ पे थोड़ा सा पैनिक भी हो चुका है। इस चीज़ को यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं और आगे चल के देखेंगे कि यहाँ पे क्या टारगेट हो सकता है। सबसे पहले किसी भी कंपनी में अगर हम पोजीशन बनाने के बारे में सोचते हैं तो वहां पे कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस करना हमारे लिए बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसी हिसाब से अगर हम देखते हैं तो कंपनी का मार्केट कैप के बारे में अगर बात करेंगे, मारुति सुजुकी जो कंपनी है तो यहाँ पे एक लार्ज कैप कंपनी है और उसी के साथ में 2,88,000 करोड़ का कंपनी का मार्केट कैप है। उसी के साथ में अगर हम देखते हैं तो कंपनी एक जबरदस्त मार्केट शेयर रखता है। अगर आप देखेंगे मार्केट शेयर वाइज, यहाँ पे मारुति सुजुकी यहाँ पे 47% का यहाँ पे कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में यहाँ पे मार्केट शेयर रखता है, जो कि बहुत जबरदस्त है। और सबसे मार्केट लीडर भी हमें देखने को मिलता है जो कि पैसेंजर व्हीकल में। उसी के साथ में अगर हम देखेंगे तो ये जो कंपनी है, तो यहाँ पे कंपनी का यहाँ पे आरओसी के बारे में अगर बात करेंगे, 17.7 का कंपनी का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है। उसी के साथ में अगर हम देखते हैं, कंपनी बिल्कुल डेट फ्री कंपनी है। उसी के साथ में अगर हम देखते हैं, स्टॉक का लाइफ टाइम हाई की अगर हम बात करेंगे तो 10,000 का लाइफ टाइम हाई था, अभी बिल्कुल लाइफ टाइम हाई के पास में स्टॉक आ चुका है, जो कि 9,950 के पास में यहाँ पे ट्रेडिंग हो रहा है। उसी के साथ में अगर हम देखेंगे, पिछले 5 साल में जिसने भी ये स्टॉक में इन्वेस्टमेंट किया है तो उनको तो बिल्कुल एक बड़ा रिटर्न तो कभी भी नहीं मिला है, क्योंकि यहाँ पे 1% का यहाँ पे रिटर्न है सीजीआर के हिसाब से दिखा रहा है। मतलब पिछले 5 साल में जिन्होंने भी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया है तो उनको इतना बड़ा प्रॉफिट अभी देखने को नहीं मिला है। सेम टू सेम अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे इस चीज को अगर हम देखते हैं तो कंपनी का क्वार्टरली वाइज रिजल्ट को अगर हम स्टडी करेंगे, मार्च के क्वार्टर में यहाँ पे कंपनी का यहाँ पे जो सेल्स देखने को मिला है, 32,060 करोड़ का कंपनी का यहाँ पे सेल्स देखने को मिला है। उसी के साथ में अगर हम नेट प्रॉफिट के बारे में बात करेंगे तो 2,671 करोड़ का कंपनी का यहाँ पे नेट प्रॉफिट देखने को मिला है। तो सेल्स तो यहाँ पे 32,000 है, उसके साथ में नेट प्रॉफिट भी 2,671 करोड़ है, जो कि अब तक का सबसे हाईएस्ट है। उसी के साथ में अगर हम लास्ट 4 क्वार्टर में अगर आप देखते हैं, लास्ट 4 क्वार्टर में 8,211 करोड़ का कंपनी के पास में नेट प्रॉफिट देखने को मिला है और अब तक का सबसे हाईएस्ट भी नेट प्रॉफिट देखने को मिलता है। और इस क्वार्टर में जो यहाँ पे नेट प्रॉफिट देखने को मिला है वो भी सबसे हाईएस्ट देखने को मिलता है। तो इसी हिसाब से अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे आगे चल के अगर हम देखते हैं तो कंपनी का सेल्स भी अब तक का सबसे हाईएस्ट, जो कि 1,17,000 करोड़ का लास्ट 4 क्वार्टर में कंपनी का सेल्स है। उसी के साथ में नेट प्रॉफिट भी बहुत बढ़िया है। उसी के साथ में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे कंपनी का बैलेंस शीट को अगर हम स्टडी करते हैं, कंपनी के पास में जो रिजर्व देखने को मिला है, 61,000 करोड़ का कंपनी के पास में रिजर्व है और बोरोइंग कितना है, ओनली 1,200 करोड़ का कंपनी के पास में बोरोइंग देखने को मिलता है। उसी के साथ में जब हम सीडब्ल्यूआईपी के बारे में बात करेंगे तो 2,815 करोड़ का कंपनी के पास में सीडब्ल्यूआईपी भी देखने को मिलता है, जो कि यहाँ पे अगर इस हिसाब से देखेंगे तो कंपनी के पास में सीडब्ल्यूआईपी भी मतलब यहाँ पे 2,800 करोड़ का, तो मतलब यहाँ पे 1,200 करोड़ कोई बोरोइंग कोई बात नहीं है, मतलब यहाँ पे बिल्कुल आप समझ सकते हैं कि डेट फ्री कंपनी है। उसी के साथ में जब हम प्रमोटर होल्डिंग के बारे में बात करेंगे देखेंगे, यहाँ पे देखिए प्रमोटर के पास में 56.48% का होल्डिंग है, जो कि यहाँ पे लास्ट क्वार्टर से अभी क्वार्टर में अगर आप देखेंगे थोड़ा सा यहाँ पे स्टेक इंक्रीज हुआ है। उसी के साथ में अगर हम एफआई के बारे में बात करेंगे तो 21.1% का एफआई के पास में होल्डिंग है। डीआई के पास में अगर हम बात करेंगे तो डीआई के पास में 18.5% का होल्डिंग है। अगर हम देखते हैं तो कंटिन्यूअसली यहाँ पे रिटेल पब्लिक का पार्टिसिपेशन यहाँ पे कम होते जा रहा है, तो 3.78% का रिटेल पब्लिक के पास में होल्डिंग देखने को मिल रहा है। अगर हम चार्ट पैटर्न देखेंगे, पिछले 5 साल में तो इतना बड़ा रिटर्न कमा के नहीं दिया है। जब हम चार्ट पैटर्न देखते हैं, बिल्कुल एक अप ट्रेंड का चार्ट पैटर्न है, तो यहाँ पे बिल्कुल हमें कोई डर मतलब यहाँ पे कोई पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं। उसी के साथ में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे जो प्रमो मतलब आज के दिन का अगर हम डिलीवरी के बारे में बात करते हैं तो 3,16,000 क्वांटिटी का यहाँ पे ट्रेडिंग हुआ है आज के दिन में, और डिलीवरी जो उठाया गया है 2,17,000 क्वांटिटी यहाँ पे डिलीवरी उठाया गया है, जो कि 68% का यहाँ पे डिलीवरी देखने को मिला है, जो कि बहुत बेहतरीन डिलीवरी हम यहाँ पे देख सकते हैं जो कि आज के दिन में, ठीक है। उसी के साथ में जब हम चार्ट पैटर्न में आ जाते हैं तो चार्ट पैटर्न में जब हम आएंगे तो यहाँ पे देखिए बिल्कुल एक चार्ट पैटर्न एक बेहतरीन, अभी अगर आप देखेंगे पिछले 1-1.5 साल से तो स्टॉक में एक बढ़िया सा तेजी आया है। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो 200 दिन का मूविंग एवरेज को यहाँ पे एक सपोर्ट की तरह ले रहा है और उसके साथ में तेजी देखने को मिलता है। अगर आप देखेंगे तो कभी ना कभी यहाँ पे थोड़ा सा गिरावट होता है, लेकिन फिर भी मैक्सिमम टाइम अगर आप देखेंगे तो 200 दिन का जो मूविंग एवरेज है यहाँ पे
सर ये जो रेड कलर का लाइन यहाँ पे है जो कि 200 दिन का मूविंग एवरेज है, अगर आप देखेंगे तो 200 दिन का मूविंग एवरेज के पास में एक बार रिटेस्ट आके करता है कंपनी, यहाँ पे आके सपोर्ट लेता है, उसके बाद में स्टॉक में एक बढ़िया से तेजी आता है। तो मतलब 200 दिन का मूविंग एवरेज यहाँ पे जो है बहुत बड़ा सपोर्ट की तरह काम करता है, अगर आप पिछले ट्रैक रिकॉर्ड भी देखेंगे। ठीक है, बहुत बार ऐसे ही हुआ है जो कि पिछले 1-1.5 साल में 200 दिन का मूविंग एवरेज को बहुत बढ़िया से यहाँ पे सपोर्ट लेता है। ठीक है, उसी के साथ में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे एक बेहतरीन चार्ट पैटर्न भी हमें देखने को मिलता है। लेकिन अगर आप इस चीज़ को देखेंगे कि स्टॉक तो बिल्कुल लाइफ टाइम हाई के पास में आ चुका है, यहाँ पे एक बहुत बड़ा गिरावट हो सकता है। इस चीज़ का जो मन में सवाल है, इस चीज़ को हम पिछले ट्रैक रिकॉर्ड को वही हम अभी चेक करेंगे। ठीक है, तो इस हिसाब से अगर हम देखते हैं इसको, थोड़ा सा वीकली चार्ट पे चले जाते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे क्लियर हो सकता है। यहाँ पे चार्ट के हिसाब से अगर हम यहाँ पे वीकली चार्ट पे आ जाते हैं, तो यहाँ पे वीकली चार्ट पे अगर आप देखेंगे स्टॉक में एक बहुत बढ़िया सा, यहाँ पे अगर आप देखते हैं एक रेजिस्टेंस के लेवल पे बिल्कुल खड़ा है। ठीक है, अगर आप ऐसे भी देख रहे हैं तो बिल्कुल एक देखिए जो कि यहाँ पे रेजिस्टेंस लेके, आपके मन में ये भी सवाल होगा कि यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे एक बार मल्टीपल टाइम पे रेजिस्टेंस फ्रेम है, मतलब वो वीकली चार्ट पे यहाँ पे एक बार स्टॉक जब था उसके बाद में यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस किया, उसके बाद में स्टॉक में एक बढ़िया सा यहाँ पे गिरावट भी देखने को मिला आपको। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे फिर से आया, उसके बाद में एक फिर से गिरावट देखने को मिला, उसके बाद में फिर से देखिए यहाँ पे आके फिर से यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। इसी चीज को अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे मुझे जो लगता है स्टॉक में ये रेजिस्टेंस लेवल वाइज अगर आप देखेंगे तो मुझे लगता है एक रेजिस्टेंस, फाइनल रेजिस्टेंस यहाँ पे हो सकता है। क्यों बोल रहा हूँ उसके पीछे का रीजन भी मैं आपको क्लैरिफाई कर देना चाहता हूँ, क्योंकि ये जो है ये मेरा एनालिसिस है, आप मेरे एनालिसिस के साथ में बिल्कुल यहाँ पे है ये भी कर सकते हैं, डिनाई भी बिल्कुल कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए यहाँ पे मुझे क्या लग रहा है, यहाँ पे वीकली चार्ट फ्रेम में अगर आप देखेंगे तो रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न ऑलरेडी बन चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मल्टीपल टाइम फ्रेम में अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे डे वाइज पे भी देखेंगे, अगर हम वीकली चार्ट पे भी देखते हैं तो यहाँ पे बिल्कुल एक रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बिल्ड हो चुका है जो कि यहाँ पे कंफर्मेशन मिल चुका है। उसी के साथ में यहाँ पे क्या हो रहा है कि रेजिस्टेंस की तरह फेस होता है, हो सकता है यहाँ पे अगर थोड़ा सा भी गिरावट हो फिर से और एक बार यहाँ पे शोल्डर बना सकता है, लेकिन मुझे यहाँ पे कंफर्मेशन मिल चुका है कि स्टॉक में एक बहुत बड़ा सा तेजी आ सकता है। अगर हम तेजी के बारे में बात करेंगे, पर्सनली मैं इस स्टॉक को बिल्कुल होल्ड करके रखूंगा, कौन सा लेवल तक मैं बिल्कुल यहाँ पे बताना चाहता हूँ। काफी दिन से मैं इसके बारे में ऑलरेडी भी जिक्र कर चुका हूँ, क्योंकि ये सेम टू सेम अगर आप पैटर्न को फॉलो करेंगे, मैं आपको दूसरा एक चार्ट भी बता देना चाहता हूँ। मैं क्यों बोल रहा हूँ कि ये स्टॉक में इतना बड़ा सा तेजी आ सकता है, तो मैं आपको नेक्स्ट चार्ट में आपको बिल्कुल बताऊंगा। पहले यहाँ पे अगर आप देखेंगे इसी चीज को अगर आप जाके देखते हैं तो यहाँ पे देखिए आपके सामने बिल्कुल दूसरा एक चार्ट के बारे में बात करेंगे, जो कि यहाँ पे बिल्कुल आप देख सकते हैं यहाँ पे चार्ट ओपन हो चुका है। आईटीसी का चार्ट बिल्कुल देखिए, ठीक है, इसका भी वही कंसोलिडेशन पीरियड, थोड़ा सा लॉन्ग कंसोलिडेशन पीरियड था, लेकिन उसके बाद में जब देखेंगे तो यहाँ पे जब हुआ, यहाँ पे कंसोलिडेशन पूरा किया, उसके बाद में जब चार्ट पे देखेंगे एक बढ़िया सा तेजी बिल्कुल नजर आया। ठीक है, जब इतना बड़ा सा तेजी यहाँ पे नजर आया है तो बिल्कुल देखिए यहाँ पे सेम टू सेम यहाँ पे देखने को मिला था। ठीक है, जब यहाँ पे थोड़ा सा गिरावट हुआ उसके बाद में जब तेजी आया, देखिए कितना बड़ा सा तेजी यहाँ पे देखने को मिला है। ठीक है, इस चीज को यहाँ पे बिल्कुल हम देख सकते हैं, जबकि इतना बड़ा बड़ा जब करेक्शन होता है ना, उसके बाद में जब 3-4 साल के बाद में स्टॉक भागता है ना, एक बहुत बड़ा टारगेट की तरफ बिल्कुल चलना स्टार्ट कर देता है। ये स्टॉक में भी ऐसे ही हुआ था, 2017 के बाद में यहाँ पे इतना बड़ा करेक्शन आया, 2017 से लेके 2023 तक उसी लेवल के अंदर घूमता रहा, लेकिन जब ये रेजिस्टेंस को ब्रेक किया उसके बाद में एक बढ़िया सा तेजी आ गया। ठीक है, सेम टू सेम अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे मुझे लगता है एक बहुत बड़ा सा तेजी आ सकता है। अगर हम तेजी के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पे जो मेरा टारगेट है ना, तो यहाँ पे बिल्कुल आप बिल्कुल यहाँ पे इस टारगेट तक भी लेके चल सकते हैं। हो सकता है यहाँ पे टाइम लग सकता है, मैं बिल्कुल इस बात को बिल्कुल डिनाई नहीं कर सकता हूँ कि यहाँ पे 1 साल के 1.5 साल भी लग सकता है, बिल्कुल मैं इस बात में बिल्कुल कायम हूँ। हो सकता है यहाँ पे 1-1.5 साल लग सकता है, अगर आप 1.5 साल का भी इंतजार करते हैं ना तो भी आपको 51% का गेन आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, और दूसरी बात है डेट फ्री कंपनी है, कंपनी बिल्कुल प्रॉफिटेबल, जबरदस्त तरीके से कंपनी का प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है, और एक बहुत बड़ा कंसोलिडेशन के बाद में स्टॉक ने ब्रेकआउट दे रहा है। उसके बाद में अगर आप देखेंगे कंपनी का मार्केट शेयर देखिए, जो कि पैसेंजर व्हीकल में 41% का यहाँ पे देखने को मिलता है, सारा पैरामीटर जो है बिल्कुल सुपर मुझे नजर आ रहा है कि यहाँ पे एक बहुत बड़ा तेजी की तरफ जा सकता है। अगर हम तेजी के बारे में बात करें तो यहाँ पे जो टारगेट है मेरा 14,800 का टारगेट तक बिल्कुल लेके चल सकते हैं, मुझे यहाँ पे कोई बिल्कुल पैनिक नजर नहीं आ रहा है। ठीक है, 14,800 का टारगेट तक अगर आप लेके चलते हैं
इस लेवल से लेके 52% का गेन मिल सकता है। लेकिन अगर हम बात करेंगे तो अगर यहाँ से स्टॉक फिसलता है, क्या यहाँ पे हो सकता है कि कौन सा लेवल तक रिटेस्ट कर सकता है? यहाँ पे अगर स्टॉक यहाँ से थोड़ा सा भी कंसोलिडेशन में जाता है या स्टॉक में थोड़ा सा भी गिरावट देखने को मिलता है, मुझे लगता है एक बार जरूर अगर इस लेवल से अगर गिरता है तो 8,000 का लेवल को बिल्कुल यहाँ पे एक बार रिटेस्ट कर सकता है। ठीक है, अगर आप कंजर्वेटिव मोड में उस लेवल पे बाय करना चाहते हैं तो 8,000 लेवल तक जरूर इंतजार कर सकते हैं। 8,065 का लेवल, ठीक है, तो यहाँ पे जो टारगेट लेवल रहेगा 14,800 टारगेट लेवल रह सकता है। ठीक है, तो इसी हिसाब से जरूर आप अपना एनालिसिस खुद कर लीजिए, अगर आपको सही लगता है तो ही पोजीशन बनाइए, अदरवाइज बिल्कुल आप इग्नोर कर सकते हैं। लेकिन जो भी आप करेंगे तो आपका फाइनल डिसीजन आपका खुद का रहेगा। ठीक है, फिर भी अगर आप किसी भी स्टॉक में पोजीशन बनाते हैं आपका फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह ले लीजिए। इसमें मेरा कोई बाइंग और सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं है, मैं जिससे कर रहा हूँ आज मतलब यहाँ पे मैं आपको उसी हिसाब से खुद का एनालिसिस बताने की कोशिश करता हूँ, यहाँ पे मेरा कोई बाइंग और सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आप पर्सनली मेरे साथ में कनेक्ट होना चाहते हैं, बिल्कुल पर्सनली कनेक्ट होकर चल सकते हैं, जो कि देखिए यहाँ पे इस हिसाब से कौन सा स्टॉक में किस लेवल पे पोजीशन बनाएंगे और क्या टारगेट तक लेके चलेंगे, तो इस हिसाब से जरूर आप देख के समझ के अपना पोर्टफोलियो को ग्रो कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।